अंश कहलाता है। लेकिन बनाना है 12, है आपके पास 3, तो मैं आपको बताऊं 3 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो 3 × 12 मतलब 4 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, अंश हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन हमें अंश लाना है माइनस में। अब माइनस का निर्माण कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, माइनस का निर्माण कैसे होगा अगर आपको कहीं माइनस बनाना पड़ जाए तो यार उसको माइनस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो माइनस का निर्माण कैसे होता है, अगर चिन्ह हमारे पास डिफरेंस होंगे, प्लस दिया है और फिर हमारा माइनस आएगा तभी मेरा माइनस का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर आपके सवाल में प्लस दिया है तो अगर आपको माइनस बनाना है तो तुरंत माइनस से गुणा कर देना, अब माइनस दिया है तो हमें उससे प्लस से गुणा कर देना है तो हमारा माइनस का निर्माण हो जाएगा। माइनस कब बनता है, जब चिन्ह हमारे डिफरेंस होते हैं अलग अलग होते हैं तो चिन्ह माइनस का निर्माण होता है। हमें बनाना है माइनस और सवाल में पहले से ही दिया है प्लस, क्या दिया है भैया, प्लस दिया, क्योंकि तीन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या दी है और उस परिमेय संख्या का आपको हर बदलना पड़ जाए या अंश बदलना है तो यार उसको हम कैसे बदलेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आए तो इसे लाइक करना, वरना वीडियो को डिसलाइक कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब ही रखना, समझ में आया नहीं। देखिए मेरे पास ये 3/4 है, ये परिमेय संख्या 3/4 दी है। मैं आपको बताऊं परिमेय संख्याओं में दो चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज। पहली तो है कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। तो मैं आपको बताऊं जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको हम अंश बोलते हैं, सही बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो संख्या ऊपर लिखी होती है वो अंश होती है और ये चिन्ह हमारा बटे का होता है, ठीक है बच्चों, ये हमारे काय का चिन्ह होता है बटे का, और इसके नीचे जो संख्या लिखी होती है वो हमारा हर कहलाता है, क्या कहलाता है, हर कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, हर बटे अंश बल मिलाकर ही मेरी परिमेय संख्या का निर्माण होता है। तो हम कहते हैं परिमेय संख्या कैसे बनती है कि अंश अपान हर को मिलाकर ही परिमेय संख्या का निर्माण होता है। लेकिन इस सवाल में कह दिया जाए, पहला सवाल मान लीजिए है कि इसका अंश, इसके अंश को मेरे पास जो परिमेय संख्या ऊपर दी है इसके अंश को माइनस का 12 कर दिया जाए, माइनस का 12। पहला सवाल आपके पास है, मेरे पास परिमेय संख्या दी है 3/4 और 3/4 संख्या में हमें अंश को बनाना है माइनस का 12, तो यार इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं, वो जो हमारे पास परिमेय संख्या दी है पहले तो हम इसे लिख लेंगे 3/4, ये मेरे पास परिमेय संख्या हो गई, हमें बनाना है अंश को माइनस का 12। तो अंश होता कौन सा है, तो सबसे पहले तुमने यही बताया कि अंश जो ऊपर लिखा होता है वही हमारा अंश कहलाता है। लेकिन बनाना है 12, है आपके पास 3, तो मैं आपको बताऊं 3 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो 3 × 12 मतलब 4 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, अंश हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन हमें अंश लाना है माइनस में। अब माइनस का निर्माण कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, माइनस का निर्माण कैसे होगा अगर आपको कहीं माइनस बनाना पड़ जाए तो यार उसको माइनस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो माइनस का निर्माण कैसे होता है, अगर चिन्ह हमारे पास डिफरेंस होंगे, प्लस दिया है और फिर हमारा माइनस आएगा तभी मेरा माइनस का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर आपके सवाल में प्लस दिया है तो अगर आपको माइनस बनाना है तो तुरंत माइनस से गुणा कर देना, अब माइनस दिया है तो हमें उससे प्लस से गुणा कर देना है तो हमारा माइनस का निर्माण हो जाएगा। माइनस कब बनता है, जब चिन्ह हमारे डिफरेंस होते हैं अलग अलग होते हैं तो चिन्ह माइनस का निर्माण होता है। हमें बनाना है माइनस और सवाल में पहले से ही दिया है प्लस, क्या दिया है भैया, प्लस दिया, क्योंकि 3 ये 3 के आगे कुछ नहीं दिखा है तो कितना होता है भैया संख्या, वो संख्या हमारी प्लस की ही कहलाती है, ये 3 हमारा प्लस का है, हमें बनाना है माइनस। और माइनस का निर्माण कब होगा, जब चिन्ह डिफरेंस होते हैं, ये संख्या प्लस की है बनाना में माइनस है तो इसमें प्लस लगा है तो प्लस से डिफरेंस चिन्ह कौन सा होता है, माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह गुणा हम कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो काम हमने अंश में किया है वही काम हमें हर में करना पड़ेगा, समझ गए ना, जो काम हम अंश में करेंगे वही काम हमें क्या करना हर में करना है, और जो काम हर में करना है वही काम हमें अंश में करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे, चिन्ह हमारे पास डिफरेंस हो गए, ये हमारा प्लस का है ये माइनस का है, तो हम आसानी से माइनस लगा देंगे, चिन्ह जब डिफरेंस जहाँ पर पाया जाए वहाँ पर आप माइनस को आसानी से लगा सकते हैं, माइनस लगा दिया आपने कि आपस में गुणा कर देंगे 4 की 3 से